दोस्तों, केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल 2023 में शानदार शुरुआत की, लेकिन दूसरे मैच में सीएसके ने लखनऊ को हराकर जीत की पटरी से उतार दिया। सीएसके को लखनऊ से 12 रन से हार झेलनी पड़ी। अब एलएसजी को अपने तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ना है, जो आज कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इस मैच से पहले लखनऊ टीम की तरफ से तीन बड़ी खबरें निकलकर आ रही हैं। इन तीनों खबरों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बड़े फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली खबर की। तो यह है हैदराबाद के खिलाफ एलएसजी की प्लेइंग 11 में बदलाव को लेकर। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में हमें कुछ बड़े बदलाव दिखने वाले हैं। दरअसल, केएल राहुल के परमानेंट ओपनिंग पार्टनर क्विंटन डी कॉक ने लखनऊ के कैंप को ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद राहुल की टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि शुरुआती दो मैचों में डी कॉक के नहीं होने से वेस्टइंडीज के काइल मार्श को ओपनिंग में खेलने का मौका मिला, जिन्होंने सुनहरे मौके का भरपूर फायदा उठाया और दोनों मैचों में ताबड़तोड़ 50 जड़ दी। दिल्ली के खिलाफ पहले मैच में इस बल्लेबाज ने 73 रन बनाए, तो वहीं चेन्नई के खिलाफ भी 53 रन ठोक डाले। इस तरह से उन्होंने प्लेइंग 11 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। मायर्स के रूप में टीम को एक मैच बना खिलाड़ी मिल गया है, इसलिए उन्हें तो लखनऊ बाहर नहीं कर सकती है, जबकि डीकॉक का खेलना भी जरूरी है, क्योंकि वह टीम के अहम बल्लेबाज हैं। अब टीम मैनेजमेंट के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि वे डीकॉक के लिए किसी टीम से निकालें। अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो मार्कस स्टोनिस वो खिलाड़ी हैं जिन्हें वे ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि स्टोनिस अभी तक रन बनाने में फैल ही रहे हैं। हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ मिडिल ऑर्डर में काइल मार्श को स्टोनिस की जगह दे सकती है, जबकि क्विंटन डीकॉक को एज ए ओपनर टीम में शामिल कर सकती है। वहीं दोस्तों, अब दूसरी खबर की बात करते हैं, तो यह है संजय मांजरेकर की तरफ से। दोस्तों, कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को अपना बैटिंग ऑर्डर सही करने की सलाह दी है। मांजरेकर ने यह बात मार्कस स्टोनिस को लेकर कही है। उनके मुताबिक लखनऊ को स्टोनिस को बैटिंग में ऊपर भेजना चाहिए, जिससे उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने को मिल सके। स्टोनिस को आप एक प्योर बैट्समैन की तरह खिला रहे हो, तो उन्हें बैटिंग में ऊपर भेजना चाहिए। चेन्नई के खिलाफ उन्होंने फाइट करने की कोशिश की थी, पर 18 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा क्रुणाल पांड्या को निकोलस पूरन से पहले भेजना भी गलत है, उन्हें भी सेट होने का मौका मिलना चाहिए। अगर मार्कस स्टोनिस और निकोलस पूरन ऊपर बैटिंग करते हैं, तो लखनऊ और बेहतर कर सकती है। वहीं दोस्तों, अब तीसरी खबर की बात करते हैं, तो यह है मार्क बुट की तरफ से। दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले एलएसजी के घातक तेज गेंदबाज मार्क बुट ने एक बड़ा बयान दिया है। बुट ने कहा, मैं 20 और 50 ओवर के वर्ल्ड कप फाइनल्स में इंग्लैंड के लिए खेल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने खुद को बेहतर तरीके से साबित करने की कोशिश की है, जैसा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कर रहे हैं। मैं यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उस समय चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए तैयार था। मैंने एक मैच खेला और उसी में खराब परफॉर्मेंस किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी लाइन लेंथ को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आईपीएल के मंच पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तीन बड़ी खबरें लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से निकल कर आ रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।